सिटी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर। दिल्ली नगर निगम में 6589 पदों पर भर्ती, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भर्ती की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, हमने दिल्ली नगर निगम में 6589 नई नौकरियों का प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट साझा कर बताया कि दिल्ली नगर निगम के तहत 2949 सिक्योरिटी गार्ड और 3640 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। इन सभी को दिल्ली नगर निगम और स्कूलों में साफ सफाई और सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर भर्ती किया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार की तरह हम नगर निगम में भी शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर लेकर काम कर रहे हैं। इन नई नौकरियों से हमारे बहुत से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हमारा मकसद आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है, उन्हें बेहतर माहौल देना है। शिक्षा के क्षेत्र में हम किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं होने देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत कर दी है। सोमवार को संगरूर के धूरी में आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान ने तीर्थयात्रियों को हरी झंडी दिखाई। पंजाब की आप सरकार तीर्थयात्रियों के जाने आने, रहने खाने समेत अन्य सभी खर्चा वहन करेगी। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब से श्री हजूर साहिब की 6 दिन की यात्रा पर श्रद्धालुओं का पहला जत्थ रवाना हुआ। आपने एक ईमानदार सरकार बनाई है, तभी यहाँ इतने काम हो पा रहे हैं, और सीएम भगवंत मान आपका बेटा बनकर आपको तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई हो। ये सरकारें सिर्फ अपना घर भरने में लगी हुई थी, लेकिन अब आपकी सरकार एक एक पैसा आपकी बिजली, दवाई, शिक्षा और तीर्थ यात्रा जैसी जनहित कार्यों पर खर्चा कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बहुत ही पवित्र दिन है, आज श्री गुरु नानक जी महाराज का प्रकाश पर्व है। दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकारें श्री गुरु नानक जी महाराज की वाणी और संदेश के अनुसार चल रही हैं। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।